लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते प्रधान आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ा है। मामला भिंड जिले के मालनपुर थाने का है, जहां प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने मालनपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी को घूस लेते हुए पकड़ा। आरोपी प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी ने फरियादी विकास जाटव से धारा 307 में नाम हटाने के लिए 20,000 रिश्वत मांगी थी। टीम ने दबिश देकर प्रधान आरक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते पहुंच लिया। इस कार्यवाही से थाने में हड़कंप मच गया है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम आगे की कार्यवाही कर रही है। एक आरोपी पकड़ा गया कमलनाथ। कौन? कमलनाथ। तो वो मेरी दुकान पे आया, उसने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद उसने बोला भैया मुझे कुइया तक छोड़ दो। तो मैंने मानवता के तौर पे मैंने अपनी बैग पल्सर पे बिठा ला और कुइया पे छोड़ दिया। वहीं से कमलनागर के बीच में फील्डिंग लगी। भगवान जाने कैसे लगी, कहाँ से लगी, मुझे इस चीज़ में कोई जानकारी नहीं। लेकिन बीच में ही जब मनीष पचौरी और आशीष शुक्ला के द्वारा पकड़ा गया, तो इन्होंने नाइट में बोला कि आप निकल जाओ और मैन आरोपी है, इसको हम ले जाएंगे साथ में। उसके बाद सुबह ये मॉर्निंग में मेरे घर पहुँचे एक मनीष पचौरी और एक लड़का और था, शायद दीपेश नाम है, दीपेन नाम है, मेरे को याद नहीं। तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि आपको टीआई साहब बुला रहे हैं, आप थाने में आ जाओ। मैंने पूछा मेरे साहब कारण, तो पूछा टीआई साहब ही बताएंगे और आप आ जाओ। उसके बाद फिर इन्होंने शाम को मुझसे मुलाकात की। इन्होंने मुझसे बोला कि आपको 307 में आरोपी बनाया जाएगा और आप 20,000 रुपये हमको नकद दो। अगर 20,000 रुपये नहीं दोगे तो आप 1 साल जेल रहोगे, 1,00,000 रुपये वहाँ कोर्ट में खर्च करोगे। विशाल सिंह जाटव हमारे पास आया और उसने एक कंप्लेंट की थी कि मालनपुर थाने का प्रधान आरक्षक मनीष पचौरी हमसे कमल नागर वाले केस में हमारा नाम हटाने के लिए या जोड़ने के लिए 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। इसके एवज में हमने इसको वॉइस रिकॉर्डर दिया और उसकी आवाज़ टेप कराई। उसके बाद हमने इसके खिलाफ FIR की, अपराध क्रमांक 022 धारा 7 PCF की FIR दर्ज की। आज उसको ट्रेन की कार्रवाई की जिसमें वो 20,000 रुपये की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया।